हाय नमस्ते टू ऑल, दिस इज सैनी फ्रॉम मॉमीज केयर। आज हम लोग बात करेंगे 10 से 12 महीने बेबी का फूड चार्ट एंड डेली रूटीन। मेरा चैनल में ऑलरेडी 6 टू 7 मंथ्स एंड 8 टू 9 मंथ्स बेबी का फूड चार्ट एंड डेली रूटीन अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। पहले आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माई बेबीज डाइट चार्ट। तो अगर आपका बेबी ये प्रॉपर तरीका से फॉलो नहीं कर पा रहे तो चिंता ना ले, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग होते हैं एंड हर बच्चे के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। सेकेंड, हर माँ का कंसर्न ये रहते हैं कि बेबी को 10 से 12 महीने में कितना दूध पिलाना है। देखिए, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स करता है बच्चे कितना सॉलिड ले रहा है उसके ऊपर। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से सॉलिड ले रहा है तो वो धीरे धीरे दूध पीने का रिक्वायरमेंट उसके कम होते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो फिर ब्रेस्ट मिल्क तो ऑन डिमांड होगा। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो फिर सुबह उठने के बाद उसको 180 टू 200 ml उसको दे सकते हो। एंड रात को सोते वक्त आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर तरीका से डिनर नहीं किए या फिर उसको बच्चे को भूख लग रहा है तो आप अगेन उसको रात को सोने से पहले 180 टू 200 ml मिल्क उसको दे सकते हो। 10 से 12 महीने का बेबी 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड 2 स्मॉल स्नैक्स, जैसे कि मॉर्निंग मिड मॉर्निंग स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स लेते हैं इंक्लूडिंग मिल्क। टोटल 7 मील इन अ होल डे इस टाइम में बच्चे लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि 10 से 12 महीना दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फेज बेबी फूड से फैमिली फूड में लाने का। तो आप एक काम कर सकते, जैसे मैंने दिस इज अ वाइटल स्टेज मैंने मेरा बेटा के साथ किया था। जैसे कि वो ब्रेकफास्ट या फिर लंच लेने के बाद जब भी मैं खाना स्टार्ट करती थी तब मैं उसको वहां से, जैसे मैं खा रही हूँ तो मेरा पेट से थोड़ा थोड़ा करके उसको उंगली में लेके ऐसे चटा दिए थे। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली फूड का जो टेस्ट है उसको समझ में आता है और धीरे धीरे जब आप फैमिली फूड उसको प्रोवाइड करोगे तब आपको इतना उसको भी तकलीफ नहीं होता है और आपको भी दिक्कत नहीं होता है। वो प्रॉपरली वो तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी आते हैं कि फूड चार्ट एंड डेली रूटीन। 6:30 टू 7:30 आप उसको मिल्क दे सकते हो। अगर आप फॉर्मूला मिल्क उसको दे रहे हो तो 180 टू 200 ml आप उसको दे सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट है 8:30 से 9:30 बजे, इस टाइम में आप खिचड़ी बना के दे सकते हो। खिचड़ी में आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, रागी हो गया, साबूदाना हो गया, ये सब खिचड़ी आप बना के दे सकते हो। अगर आपको बेबी को स्वीट पसंद है तो फिर आप इस सेम चीज का स्वीट फॉर्म में भी बना के आप उसमें उसको और भी हेल्दी बना सकते हैं। केला डाल के, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, ये सब डाल के उसको और भी हेल्दी बनाइए। उसमें आप खजूर का सिरप, गुड़ दे सकते हैं। गुड़ एक्चुअली इट्स अ वेरी आयरन है उसमें, तो वो दे सकते हैं। चिल्ला दे सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला, सूजी की चिल्ला, ये सब आप दे सकते हैं। उपमा दे सकते हैं, आपका सूजी का हो गया, सॉफ्ट पोहा का हो गया, ये सब आप उपमा बना के दे सकते हो। पराठा दे सकते हैं आप, जैसे कि आलू का पराठा, पनीर का पराठा, पालक का पराठा। इसका अलावा आप पैनकेक दे सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन में देखें तो फिर डोसा, इडली, उत्थपम सांबार के साथ दे सकते हैं, लेस स्पाइसी बना के। टमेटो चटनी, कोकोनट का चटनी, डिफरेंट तरीका से बनाने से क्या होगा उसका टेस्ट बहुत सारा चेंज होते रहेंगे। नहीं तो एक चीज खाते खाते बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो चेंज करके करके डिफरेंट तरीका से आप बना के उसको खिलाइए। आप ब्रेकफास्ट में सेरेलैक भी दे सकते हैं, पर सेरेलैक मेरे लिए एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा।
क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना हो सके घर में खाना बना के खिलाने के लिए। सेरेलैक बच्चे को आदत मत डालिए, अब अपने सुविधा के लिए उसको आप एक लेके रख सकते हैं घर में। तो फिर अब अगर किसी कारण से आप खाना नहीं बना पाए, जल्दी में है, तो उस दिन आप बच्चे को सेरेलैक ऑफर कर सकते हैं। पर बच्चे को ऐसा आदत मत बनाइए कि वो हर दिन सेरेलैक छोड़ के कुछ नहीं खाएंगे। अभी आते हैं कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स, 11 से 12 बजे के बीच आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स दे सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा आप लाइट रखिए, नहीं तो बच्चे को प्रॉपरली भूख नहीं लगेगा लंच के टाइम पे। इस टाइम में आप होममेड फ्रूट जूस बना के दे सकते हो, वाटरमेलन हो गया, लीची हो गया, ऑरेंजेस हो गया, अनार हो गया, स्वीट लाइम हो गया, तो कोई भी सीजनल फ्रूट का जूस बना के आप उसको दे सकते हो। बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो, कोकोनट वाटर, लस्सी, वेजिटेबल सूप्स, जैसे कि पम्पकिन का हो गया, टमेटो का हो गया, डिफरेंट मिक्स्ड वेज सूप बना के भी उसको दे सकते हो। अगर खट्टा फ्रूट से कभी कभी बच्चे को एलर्जी हो जाते हैं, तो अगर खट्टे फ्रूट उसको सूट नहीं कर रहा है तो अभी के लिए स्टॉप रखे, थोड़ा देर बाद, एक दो साल बाद जब डाइजेशन प्रॉपरली उसका डेवलप हो जाएगा वो साइट्रस फ्रूट, तब आप इंट्रोड्यूस उसको कर सकते हो। 1 से 2 बजे के बीच आप लंच दे सकते हो, और लंच में आप राइस दाल का खिचड़ी हो गया, वेज पुलाव हो गया, राइस के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स हो गया, राजमा के साथ राइस हो गया, छोले राइस हो गया, ये सब आप दे सकते हो। नॉनवेज में अगर आप देना चाहते हो तो उसमें आपका राइस फिश दे सकते हो, राइस एक भुज्जी दे सकते हो, राइस दाल एक योल्क का जो पीला वाला पार्ट है वो भी दे सकते हो, क्योंकि मेरा बेटा का जो लंच था मैंने वो राइस बेस्ड ही रखा था। अगर आप रोटी देना चाहते हो तो रोटी भी दे सकते हो, रोटी दाल में भिगो के आप दे सकते हो, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, पालक पराठा, ये भी आप दे सकते हो। आप पास्ता भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर पास्ता ये थोड़ा ध्यान में रख के मैदे का ना हो, क्योंकि मैदा हजम करने में या फिर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं, तो फिर आटे का या फिर मल्टीग्रेन पास्ता अगर हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी आते हैं कि इवनिंग स्नैक्स, 4 से 5 बजे के बीच आप इवनिंग स्नैक्स बेबी को दे सकते हो, जैसे कि एवोकाडो स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स्ड फ्रूट का स्मूदी, कास्टर्ड, फ्रूट कास्टर्ड, छोटा छोटा करके फ्रूट काट के, जैसे कि ग्रेप्स हो, बनाना हो, वो आप छोटा छोटा करके काट के वो भी दे सकते हो। उसके बाद 6:00 to 6:30 आप उसको दे सकते हो 180 ml मिल्क। अगर आपको लग रहा है कि बेबी का भूख है तो फिर यू कैन गिव 180 to 200 ml तक फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हो। 7:30 to 8:30 के बीच आप डिनर दे सकते हो, डिनर में आपका रोटी, दाल, दूध, गरम दूध में भिगो के रख के वो 5-10 मिनट बाद उसको स्मैश करके आप दीजिए, गरम दाल में भिगो के आप दे सकते हो, रोटी सब्जी दे सकते हो, रोटी सूप दे सकते हो। अगर आप राइस देना चाहते हो तो फिर अगेन आप खिचड़ी दे सकते हो, आप लंच का जो भी ऑप्शंस है वो आप डिनर में भी डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए रिलेटिव एंड फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।